है, तो कल हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल से स्टेयर्स बनाए जाते हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है। वुड से, स्टोन से, ब्रिक्स से, स्टील मेटल और स्टील से, प्लेन कॉन्क्रीट और आरसीसी से। ठीक है, तो वुडन में हम लोग देख रहे थे, वुडन स्टेयर में, कि वुडन स्टेयर में हम लोग देख रहे थे कि लाइट होता है, रेजिडेंशियल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली यूज इन रेजिडेंशियल। ठीक है, ये देखो, इसको ऐसे जगह पे नहीं इस्तेमाल किया जाता है जहाँ फायर का खतरा हो, तो ये आसानी से फायर के अटैक में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि अपर फ्लोर पे रहने वाले जो ऑक्यूपेंट हैं उनको निकलने में मुश्किल होने लगती है। ठीक है, और जो वुडन स्टेयर है उसको बनाने के लिए अच्छा टिम्बर इस्तेमाल करते हैं, टीक, जिसका थिकनेस जो है वो 45 सेंटीमीटर हो और सफिशियंटली फायर प्रूफ हो। ठीक है, ताकि जब भी कभी भी फायर हो तो अपर फ्लोर के ऑक्यूपेंट को निकलने में आसानी हो, वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? फैक्टर टू बी कंसिडर, कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर किया जाता है? स्ट्रिंग सपोर्टिंग एंड ऑफ वुडन स्टेप मे बी कट, स्ट्रिंग क्लोज, स्ट्रिंग और क्लोज स्ट्रिंग। ठीक है, जो स्ट्रिंग सपोर्टिंग है एंड है वो वुडन स्टेप को स्ट्रिंग और क्लोज स्ट्रिंग से ऐड करते हैं। ठीक, स्कोटिया ब्लॉक प्रोवाइडेड करते हैं एडिशनल फिनिश के लिए। फिर स्मॉल ट्रेंगुलर वुडन ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं एज ए ग्लू, जहाँ पे इनर एंगल को सपोर्ट करने के लिए, ताकि थ्रेड और राइज, थ्रेड और राइज के लिए एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो। ठीक है, मेटल स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं नोजिंग और वुडन स्ट्रिप पे टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टीयर। ठीक है, मेटल स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं नोजिंग पे, ठीक है, ताकि वियर और टीयर रेसिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव हो। फिर नेक्स्ट क्या है, लैंडिंग में भी फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग वुडन बीम ऑफ सुटेबल साइज, जो लैंडिंग है वो भी सुटेबल साइज का प्रोवाइड कराना चाहिए वहाँ पे बीम। ठीक है, ताकि सपोर्ट जो है वो मिल सके। सम टाइम राइजर इज ओमिटेड, कई बार क्या होता है जो राइजर है उसको निकाल दिया जाता है, और ट्रेड ऑफ हाउसिंग स्प्रिंग इज सॉफ्ट सोफिट इज कवर्ड विथ वुडन बैटन एंड मेटल सीट। ठीक है, जो राइज है उसको कई बार हम लोग निकाल देते हैं, जैसे जब भी स्टेयर बनता है तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें राइज को हटा दिया जाता है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको किससे सपोर्ट करते हैं? वुडन बैटन और मेटल सीट से इस पार्ट को सपोर्ट करते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको वुडन बैटन, जो ट्रेड है इसको वुडन बैटन या मेटल सीट से इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, टिम्बर शुड यू शुड बी फ्री फ्रॉम फंगल डीके, इंसेक्ट एंड अटैक एंड एनी डिफेक्ट। ठीक है, जो टिम्बर हम लोग यूज कर रहे हैं वो उसमें कोई भी डिफेक्ट, कोई डीके या इंसेक्ट अटैक, कोई भी चीज ना हो उसमें। एज मे बी स्मूथ एंड एक्सेस लाइट टिम्बर शुड नॉट बी यूज। ठीक है, एज जो है वो स्मूथ रखते हैं और एक्सेस लाइट लाइट टिम्बर जो है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर मेटल स्टेयर, ठीक है, मेटल स्टेयर में क्या है, नॉट फ्रिक्वेंटली और कॉमनली यूज स्टेयर, बहुत जल्दी इसको, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं इसको। एक्सटर्नल फ्री फ्री स्पेस स्टेयर आर जनरली मेड ऑफ स्टील। ठीक है, जो एक्सटर्नल फायर के स्टेयर होता है इसमें इसको यूज किया जाता है, जैसे बिल्डिंग के पीछे अगर कोई सर्विस के लिए स्टेयर देने हो तो मेटल स्टेयर देते हैं, ताकि वहां से फायर स्केप हो सके और सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक
कौन कौन सा मेटल यूज करते हैं? सीआई ब्रोंज मेटल, आर कास्ट आयरन, ब्रोंज और माइल्ड स्टील, ये सब जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, वाइडली यूज इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप एंड गोडाउन। ठीक है, फैक्ट्रीज में, गोडाउन में और वर्कशॉप में ऐसे स्टेयर्स को यूज करते हैं। कौन कौन सा मेन फीचर्स है? स्ट्रिंगर आर यूज यूजली ऑफ चैनल सेक्शन। ठीक है, जो स्ट्रिंगर जो होता है वो चैनल सेक्शन का होता है। ठीक, ट्रेड एंड राइज ऑफ स्टेप मे बी ऑफ वन यूनिट और मे नॉट बी। जो ट्रेड और राइज है एक स्टेप का, वो एक यूनिट हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। मतलब जो एक ट्रेड और एक राइज है, इसको कंबाइन करके एक यूनिट भी बना सकते हैं, एक यूनिट भी मानते हैं, और उसको अलग अलग भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रेड एंड राइजर आर सपोर्टेड ऑन एंगल विच आर कनेक्टेड टू द स्ट्रिंगर। ट्रेड और राइजर जो है वो एंगल पे सपोर्ट किए जाते हैं, वे जो स्ट्रिंगर से कनेक्टेड होते हैं। राइजर में बी टोटली ओमिटेड, जो राइजर पार्ट है इसको इसमें निकाल सकते हैं, इसको ओमिट कर सकते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्पाइरल स्टेयर ऑफ कास्ट आयरन कंसिस्ट ऑफ कास्ट नुवेल फिक्स्ड इन सेंटर अराउंड विच द कास्ट स्टेप आर फिक्स्ड। ठीक है, स्पाइरल स्टेयर जो है उसमें कास्ट आयरन यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, नुवेल फिक्स्ड, उसके सेंटर से जो है वो सारे स्टेप्स निकले रहते हैं। जैसे स्पाइरल वाला पार्ट कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये सेंटर, और इस सेंटर से ऐसे स्टेयर्स जो है वो निकले होंगे। ठीक है, और ये सब कास्ट आयरन से होंगे, और इस तरीके से ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इसका अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फॉर मेटल स्टेयर, मेटल ब्लास्टर विथ पाइप हैंड रेल आर यूज्ड। ठीक है, मेटल स्टेयर में क्या करते हैं, मेटल का बैलिस्ट्रेट यूज करते हैं, और जो हैंड रेल देते हैं वो भी मेटल का पाइप का देते हैं। ठीक है, मेटल के हॉलो पाइप जो होते हैं उसका हैंड रेल इसमें देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? आरसीसी स्टेयर। आरसीसी स्टेयर में क्या होता है? कॉमनली यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सबसे कॉमन स्टेयर है, जो कि हर तरह के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज किया जाता है, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे पब्लिक बिल्डिंग हो, या कोई भी बिल्डिंग हो, इसमें जो है ये कॉमनली जो है वो आरसीसी का स्टेयर हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं। फिर क्या है? दे रेसिस्ट बेटर फायर एंड वियर देन एनी अदर मटेरियल एंड कैन बी मोल्डेड टू डिजायर्ड शेप। ठीक है, ये अच्छा वियर एंड टियर रेसिस्टेंट होता है, फायर रेसिस्टेंट होता है, और मटेरियल जो यूज करते हैं वो वियर एंड टियर और फायर रेसिस्टेंट होता है, और ये किसी भी शेप में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी डिजायर्ड शेप में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, द स्टेप कैन बी प्रोवाइडेड विथ सुटेबल फिनिशिंग मटेरियल सच एज मार्बल, टेराजो, टाइल्स एटसेट्रा। जो स्टेप है उसको हम लोग सुटेबल मटेरियल से फिनिश कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मार्बल लगा सकते हैं स्टेयर्स के ऊपर। ठीक है, टेराजो बना सकते हैं, टेराजो यूज कर सकते हैं, और टाइल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी इजिली मेंटेन, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड प्लीजिंग इन अपियरेंस। ठीक है, जो आरसीसी स्टेयर होते हैं
इसका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी आसान होता है, आसानी से इसको इसको मेंटेन किया जा सकता है। मतलब कलरिंग या साफ सफाई या डैमेज मेंटेनेंस जो है इसका काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, और प्लीजेंट इन अपियरेंस, मतलब इसका अपियरेंस भी काफ़ी अच्छा होता है, प्लीजिंग होता है। फिर क्या है, दे कैन बी डिजाइन फॉर ग्रेटर वेथ एंड लेयर स्पैन, ठीक है, ये जो इसका डिज़ाइन है वो बड़े विड्थ और लेयर के फॉर्म में, लेयर स्पैन के फॉर्म में हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेप्स में कास्ट इन सीटू प्री कास्ट, जो स्टेप जो है वो प्री कास्ट भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इट इज पॉसिबल टू प्री कास्ट ए फ्लाइट एंड प्लेस इन द पोजिशन बाई इक्विपमेंट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि जो भी फ्लाइट है उसको प्री कास्ट कर सकते हैं। प्री कास्ट मतलब कि बिल्डिंग में डायरेक्ट बना नहीं सकते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको पहले ही कहीं दूसरे जगह पे हम इसको कास्ट कर लें, इसको बना लें, और उसके बाद इस फ्लाइट को ले आके बिल्डिंग में लगा दें, ठीक है, उसके पोजीशन पे लगा दें, फिक्स कर दें, ठीक है। तो ये एक अच्छा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टेयर्स के फ्लाइट को जो है वो हम किसी दूसरे जगह पे बनाकर उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको माउंट करके, जिस भी शेप में हमको माउंट करना है, माउंट करने के बाद हम उसको क्या करें कि बिल्डिंग के अंदर ले आके उसको उसके जगह पे इंस्टॉल कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द मटेरियल कैन बी यूज टूगेदर कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपोजिट स्टेयर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि कंपोजिट स्टेयर भी बना सकते हैं। इसमें क्या करें कि हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को लेके कंपोजिट करके हम उसका स्टेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टेयर, ये जो है स्टेयर का पार्ट जो है ये ख़त्म हो गया है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है।